चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक जो है भारत में 4,000 से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, 4,000 से ज़्यादा जो है कोरोना के मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 110 से ज़्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस समय जो है कोरोना जो है भारत में सेकेंड स्टेज के ऊपर जाने की जो है कगार पर लगा हुआ है। यानी कि अभी हम फिलहाल तो सेकेंड स्टेज में ही, अगर सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाएंगे, यानी कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं उसे, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ वो जो है पूरे समाज में फैल सकता है। अब बात करते हैं हम सबसे बड़ी घोषणाओं के बारे में मोदी सरकार की। जी हाँ दोस्तों, तो अभी फिलहाल जो है आज शाम को, जी हाँ दोस्तों, आज शाम के जो है तेलंगाना के सीएम ने श्री मोदी जी से बात की और उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन को जो है 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, 3 जून तक, क्योंकि कोरोना का जो मामले हैं वो दिन का दिन जो है तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर डे जो है 600 से 700 जो है कोरोना के नए नए मामले सामने देखने को आ रहे हैं। बात करते हैं अब दूसरी खबर की। बात करें तो रेलवे मंत्रालय ने, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है कि रेलवे मंत्रालय ने जो है इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो रेल जो है चलाने के जो है पूरे इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन वो अपना सरकार के निर्णय के बाद ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सबसे पहले जितने भी पैसेंजर्स आना चाहते हैं उनका जो है मेडिकल होना चाहिए, यानी कि आपका जो है किसी न किसी डॉक्टर के साथ, जी हाँ दोस्तों, आपने जो है अगर कुछ ट्रीटमेंट करवाया है तो उसका जो है सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा अगर आप थोड़े भी अस्वस्थ हैं तो। दूसरी चीज़, आपके पास मास्क होना कंपलसरी है, बिना मास्क के जो है आपको प्लेटफॉर्म या परिसर के आसपास भी जो है भटकने नहीं दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपको प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने से पहले जो है आपका एक बार चेकअप होगा, जिससे आपका टेम्परेचर मापा जाएगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इससे ये बात पता चलती है कि आपको कोरोना वायरस के जो है सिम्टम्स हैं या नहीं है। चौथी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि रेलवे स्टार्ट होगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है वो लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि 3 जून तक, जी हाँ दोस्तों, 3 जून तक जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि वो अपना लॉकडाउन 3 जून तक जो है एक्सटेंड करने वाले हैं, यानी कि वो बढ़ाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब तेलंगाना से तो कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, जब लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो वहाँ पर ट्रेन चलने का कोई सवाल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात करें तो जिन जिन राज्यों में लॉकडाउन है और जिन राज्यों में लॉकडाउन खुलेगा उनमें डिफरेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन सब जगह से नहीं खत्म होने वाला है, यानी कि कुछ राज्यों में जो है लॉकडाउन लगातार चलता रहेगा, जिसकी वजह है कोरोना का जो है तेज़ी से फैलना। उनमें है सबसे बड़े बड़े राज्य, चलो मैं बता देता हूँ आपको। पहला है नंबर एक पे महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र यानी मुंबई से जिन जिन लोगों को जो है पता होगा, काफ़ी लोग हैं मुंबई शहर में, मजदूर भाई बहन, जिनको जो है गाँव जाने के लिए काफ़ी जो उत्सुक हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे भी जो है यहाँ से निकला जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत का सामना उनको झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, साफ साफ बता दूं मैं आपको, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है कि आप लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन चालू होगी और आप सभी लोग जो है एक साथ चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ट्रेन जो है मुंबई की नहीं चलेगी, और वो चलेगी तो सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस, यानी एक दो ट्रेन जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ VIPs जाते हैं, जिनमें जो है कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा कम होता है, वही ट्रेन चलेगी। बाकी नॉर्मल ट्रेन जो स्लीपर हैं, जिनमें चालू डब्बा है, ये सारी ट्रेनें बंद रहेंगी फिलहाल लॉकडाउन के बाद, और इनका एक निश्चित निर्णय किया जाएगा कि जब यहाँ पे सामान्य, जी हाँ दोस्तों, स्थिति सामान्य हो जाएगी, जैसे कोरोना वायरस इस समय तेज़ी से मुंबई में फैल रहा है, वो जब सामान्य हो जाएगा तभी जाके यहाँ पे ट्रेनें चलेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए लेके आएंगे 100% सही खबरें। जी हाँ दोस्तों, झूठ खबरें मत देखिए, कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको कहूँ कि ट्रेन चालू हो गई, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पर कोरोना वायरस सबसे तेज़ी से है, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है, वहाँ पर जो है ट्रेनें नहीं चलेंगी। ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनके पास भी ये अपडेट पहुँच सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।